उत्तराखंड, कच्ची शराब पीने से मची हाहाकार, 16 की मौत गई गंभीर। फार्म हाउस में तमंचे पेटिस को 20 शादी, जमकर हुई फायरिंग। छत्तीसगढ़ बजट, बिजली बिल हाफ, कोई नया कर नहीं, अब देखते हैं खबरें। रुड़की, भगवानपुर के बालूपुर गांव में कच्ची शराब पीने से 16 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। घटना की सूचना से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वही हरिद्वार जिलाधिकारी दीपक रावत का कहना है कि बालूपुर में 8 लोगों की मौत हुई है, साथ ही कई लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सरहानपुर में भी 8 लोगों की मौत हो गई, साथ ही कई लोगों का स्थिति गंभीर बनी हुई है। नई दिल्ली, गाजियाबाद, तमाम कोशिशों के बावजूद भी दिल्ली NCR में दर्ज फायरिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला गाजियाबाद का है। यहाँ पर एक फार्म हाउस में लाइव फायरिंग होते हुए देखी जा सकती है, इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। 9 फरवरी को गोंदिया में स्वर्ण पदक वितरण समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री कमलनाथ, अभिनेता संजय दत्त, वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। समारोह सुबह 11 बजे DB साइंस कॉलेज में आयोजित किया गया है। रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश कर रहे हैं। बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। बजट सत्र 8 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा। 11 और 12 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी, कुछ इस प्रकार से बातें होगी। कोई नया कर नहीं, बिजली बिल हाफ करने का ऐलान, 5 नए थाने और 20 चौकी बनाई जाएगी, नवीन केंद्रीय जेल की स्थापना की जाएगी, बेमेतरा में 200 कैदी क्षमता वाली खुली जेल का होगा निर्माण, कन्यादान योजना की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई है, स्मार्ट सिटी के लिए 396 करोड़ का प्रावधान। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज़ की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।